हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्रेम टॉक्स। मैं हूं अदनान, स्वागत करता हूं आपका। आखिर सितंबर से लेकर अभी तक ऐसा क्या बदल गया है कि कोरोना वायरस केसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं? ऐसा क्या हो गया कि फरवरी मार्च के महीनों में कोरोना वायरस के जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? इनफैक्ट अप्रैल के महीने में तो इसकी रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ गई और 3 लाख से ज़्यादा केसेस आने लगे प्रतिदिन। अब तो कोविड-19 की वैक्सीन भी आ गई है, फिर भी मामले तो कम होने चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्यों नहीं कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं पूरे भारत में? इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का सावधानी ना बरतना कोविड-19 के प्रति। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सबसे प्राइमरी और एसेंशियल चीज़ कोरोना से रिलेटेड क्या है, लोगों के लिए सबसे कारगर क्या हो सकता है, सबसे प्राइमरी जो लोग घर में भी रह के कर सकते हैं, बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सोशल दूरी बनाए रखना। लेकिन ये सब दिखने नहीं लगा जब से वैक्सीन कोरोना की आई। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों ने वैक्सीन लगाई हो या नहीं लगाई हो, लोग ये समझ गए थे, लोग ये समझ रहे हैं कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, कोरोना जा चुका है, और ये सब लोग नहीं करने लगे। मास्क पहनना छोड़ दिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने खुद नोटिस किया होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के दौरान जब मार्केट खुला, बाजारें खुली, लोगों का आगमन हुआ, शहर में लोगों का आगमन हुआ, गांव से हुआ, दुकानें खुली, मॉल्स खुले, थिएटर्स खुले, जिम खुले, वहाँ पर इन सब चीज़ों का पालन सही तरीके से नहीं होने लगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हाथ में, एक नॉर्मल इंसान के हाथ में ये उनके कंट्रोल में क्या है? मास्क पहनना या ना पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना या ना करना, इससे ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है? लेकिन वही इन 5 महीनों में, इस सिस्टम के पास पूरे 5 महीने थे, वो चाहते तो एक अच्छा सिस्टम बनाया जा सकता था पूरे भारत में। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाया जा सकता था, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा सकते थे, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए जा सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। या सिस्टम कह ले, वो पूरा टाइम वेस्ट की अपना, पूरा टाइम वेस्ट की कुछ चीज़ों में, जैसे scroll.in एक पोर्टल है, उसके मुताबिक सरकार ने पूरे 8 महीने का टाइम इस चीज़ पे वेस्ट कर दिया कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के टेंडर्स कैसे फ्लोट करें। फ्लोट करने में ही टाइम 8 महीने चला गया, जिसमें 150 में से सिर्फ 5 आज के टाइम पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑपरेशन हो रहे हैं, सिर्फ 5। इतने बड़े भारत देश में सिर्फ 5 हो पा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज़ सिस्टम पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो या ऑक्सीजन का सप्लाई हो, वैक्सीन का जो सप्लाई हो एवरी हॉस्पिटल, एवरी स्टेट्स में, ये सब कुछ एक सिस्टम के हाथ में होता है। ये आप हालिया न्यूज़ में आया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम से ही मांग की थी कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिले, प्रॉपर वैक्सीन मिले, प्रॉपर हम लोगों को बेड्स मिले, ताकि हम जो लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, उनको हम सहायता कर पाए, उनकी जान बचा पाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। खैर, सरकार सिस्टम अब कंप्लीटली फ्री हो चुकी है, शायद अब ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और भी लग सकते हैं। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को, इंडिया के हेल्थ सिस्टम को सुधारें, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया अभी भी 145 रैंक में आती है पूरे 195 कंट्रीज में। जो आप सोच सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना खराब है, ये सबकी सोचने वाली बात है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें प्रेरित करेगा और भी इसी तरह के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और हमारे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले में। शुक्रिया।